Hello friends and hello students, welcome to the Indian history lecture number 18. So you're welcome in this Ghatna Chakra unique practice set. So we are going to discuss very important questions jo ki previous examination mein puche ja chuke hain, to aur hindi english dono mein hum log discuss karne wale hain. So aapka koi bhi language ho, hindi ho ya english ho, need not to worry. Okay, these are helpful for any government examination, especially BPSC or State Public Service Commission examination. So, इस सीरीज में हम लोग अराउंड 2500 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस करने वाले हैं. तो ये उसमें आठवां लेक्चर है. इससे पहले तक 17th लेक्चर ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है. और आप अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन बोलता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज वाज द फर्स्ट वन टू ट्रेड विथ इंडिया. मतलब बाहरी जो विदेशी कंपनी थी, सबसे पहली विदेशी कंपनी जो ट्रेड इंडिया में ट्रेड के लिए आई वो कौन था? वो था पुर्तगाल. ओके, तो पुर्तगाल वेर द फर्स्ट हु केम टू इंडिया एज ए ट्रेड पर्पस ऑफ ट्रेड. और ये कब आए थे? ये आए थे 1498 में आए थे. और फर्स्ट पर्सन जो आया था वो कौन था? वो था वास्को डगामा. वास्को डगामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम, दैट वाज द फर्स्ट पुर्तगाल हु केम टू इंडिया एज ए ट्रेड. Okay, so these are some important facts. So next question, question number 2, which monument is known as Dream of Stone? मतलब किस स्मारक को स्टोन में ड्रीम के रूप में जाना जाता है? किस स्मारक को जाना जाता है? ये ऑप्शन है आपका, देखिए. ओके, चार मीनार, अजंता केव्स, सांची स्तूपा और पंचमहल. सो इट इज पंचमहल. पंचमहल को किस नाम से जाना जाता है? ड्रीम इन स्टोन्स, पत्थरों में ड्रीम. ओके, स्टोन्स इन, इस तरह है. तो आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे इमेजेस ऑलरेडी लगाए हुआ है ये पंचमहल का. फिफ्थ स्टोरेज होता है ये, पांच फ्लोर का है ये पंचमहल. इट्स अ वेरी अमेजिंग आर्किटेक्ट ये. दिस इज, यू कैन सी इनसाइड, ये इज इनसाइड व्यू ऑफ पंचमहल है. और एक ये है कि एक पंचमहल के सामने में एक तालाब है. ओके, तो वो तालाब का क्या नाम है? अनूप तालाब. उस तालाब का क्या नाम है? अनूप तालाब. ये भी कभी कभी पूछा जाता है. पंचमहल के सामने में एक तालाब है, ठीक है, इस बिल्डिंग के जस्ट सामने में. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. तो अगला क्वेश्चन, इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, जिसमें कि हिस्ट्री से पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस पब्लिश्ड हैं. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर एग्जाम में नहीं आप करते हैं एग्जाम के समय में, तो ये प्रॉब्लम होगा, बैकफुट पे रहिएगा. और एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करने में. ओके, आप उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा. यहाँ पे एग्जाम की साइकोलॉजी समझना है, वो आप क्वेश्चन के थ्रू ही समझ सकते हैं. तो ये थियोरिटिकल पार्ट हर जगह कुछ घुमा फिरा के अलग अलग रहते हैं, थोड़े मोड़े अलग रहते हैं, मगर उससे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो आप तभी सीख पाइएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं. तब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल होगा. ओके, तो वहां पे एग्जाम में प्रॉब्लम होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल फजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी संत. ठीक है, किस सूफी संत का अब्दुल फजल वो बेटा था? किनका था वो? शेख मुबारक. ठीक है, शेख मुबारक एक सूफी संत थे, उनका बेटा था अबू फजल. सो कुछ फैक्ट्स मैं अबू फजल के बारे में बताता हूँ आपको. तो ही वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा. ओके, अकबरनामा. ओके, अकबरनामा का जो ये ऑथर था अबू फजल. और दूसरा फैक्ट है जो कि जो बाइबल जो है वो पर्सियन लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेटेड इन पर्सियन लैंग्वेज. ओके, पर्सियन भाषा में ये बाइबल को ट्रांसलेट किया था अबू फजल. वाज अ ग्रेट स्कॉलर. ओके, एंड ही एट द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के राज के समय, ही वॉज वन ऑफ द नाइन्थ नौरत्न में से, उनमें से यह एक ये भी था अबुल फजल. अकबर के नौरत्न जो थे, नाइन ज्वेल्स जो थे, उनमें से ये भी एक था. एंड ही बिलोंग्स टू यमेन.
यामेन से वो बिलोंग करता था. सो ये दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अब्दुल फजल. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन विजयनगर? विजयनगर में कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा था एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा? जब बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ तो उस समय विजयनगर में किसकी शासन काल था? तो वो तुलुवा. ऑप्शन 3 जो है सही है, तुलुवा का शासन काल था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चोंग? ठीक है, पोलो और वो खेलते समय बोला जाता है वो गिर जाने के बाद उनकी वो सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है. ओके ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा. ये माना जाता है कि ये पोलो घुड़सवारी कर रहे थे तो उसके दौरान कुछ एक हादसा होता है जिससे वो फॉल आउट कर जाते हैं, घोड़े से गिर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है. ना क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर? कौन से सिख गुरु जी थे जो फाउंडेशन थे, वो फाउंडेशन ऑफ अमृतसर का फाउंडेशन स्थापना किया था? ओके अमृतसर का स्थापना, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? तो वो गुरु रामदास थे. ओके ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, गुरु रामदास थे. तो ये बोला जाता है गुरु रामदास ने ही अमृतसर का फाउंडेशन रखा था, मतलब तो स्थापना की नींव रखी थी. ओके सो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी? ओके कौन सा सुल्तान तुगलक डायनेस्टी इशू कॉपर क्वाइंस इंस्टेड ऑफ सिल्वर क्वाइंस? वो कॉपर क्वाइन, तांबे का क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया चांदी के क्वाइन के अपेक्षा, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक. याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा. ना अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? फर्स्ट सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद? तो वो कहाँ है, वो सिकंदरा में है. ऑप्शन 1 जो है सही है, अकबर स्टॉम. चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाई खिजीर खान? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए खिजीर खान के द्वारा किस डायनेस्टी मतलब वंश की शुरुआत की गई? तो वो कौन सा, वो सैयद वंश था. ओके सैयद वंश की शुरुआत खिजीर खान ने किया था. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? मतलब इनमें से किस इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्ट किया गया है सती प्रथा, रेफरेंस सती प्रथा का रेफरेंस मिलता है. ओके तो पहला है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद के पिलर पे वहां पे इंस्क्रिप्ट किया गया है. दूसरा है इरेन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त. नाउ थर्ड है अहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकिन सेकेंड. फोर्थ ऑप्शन है भीटान इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त. तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन यहाँ पर जो है इंस्क्रिप्ट किया गया है सती कस्टम्स को. ओके वहां पे रेफरेंस मिलता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665? ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुआ था 1665 में उसका इमीडिएट एम क्या था? ठीक है उसका इमीडिएट एम क्या था? तो वहां पे था उसका इमीडिएट एम था टू शो सीड्स ऑफ कंटेंशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर. ठीक है तो उसका मेन एम था कि शिवाजी के बीच में और सुल्तान ऑफ बीजापुर जो था बीजापुर के बीच में नफरत की बीज बो दी जाए, मतलब उनके दोनों के बीच में दरार और दुश्मनी क्रिएट करना, ये मेन उसका इमीडिएट एम था. ओके याद रखिएगा ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो रहा है. नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर्स रिजीम? अब देखिए जहांगीर के काल में पहला इंग्लिश मैन कौन था जो मुगल कोर्ट में, जहांगीर के मुगल कोर्ट में आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे. ओके ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है. सो ऑप्शन 2 जो है वो सही, कैप्टन विलियम हॉकिंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. चचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्क्वेस्ट? मतलब चचनामा में किसका मतलब इतिहास दर्ज किया गया है?
तो वो किया गया अरब्स का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब्स, ओके, उनका इतिहास को चचनामा में डिस्क्राइब किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलबुर्नीज अकाउंट फॉर इंडिया, तो इनमें से कौन अलबुर्नीज का जो है वो इंडिया के लिए अकाउंट करता था, अकाउंट था, अकाउंट ऑफ इंडिया था, वो कौन था, किताब उल हिंद, ओके, ऑप्शन नंबर फोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीडियो नोट डाउन कीजिए आपको पॉज करके, ओके। तो इसमें इतना ही डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, तो होप आपको इसमें क्वेश्चन अच्छा मिला। रिवीजन देखिए, रिवीजन जो है ना, रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस, मैं आपको बता देता हूँ। आपने को एक टॉपिक पढ़े, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, चार टॉपिक, आप डेली न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, मगर आप प्रीवियस जो आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम में आपको कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है कि आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ओके। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज फोकस रिवीजन, मटेरियल सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और पूरा फोकस कीजिए रिवीजन करने का, ठीक है। एक बार कंप्लीट कीजिए, दो बार रिवाइज कीजिए, तीन बार रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि पॉलिटी का आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा आपने, ठीक है, मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, अब एक बुक लक्ष्मीकांत से आपने पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वहां पे, ठीक है, मगर आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, फिर आप कुछ समय बाद फिर उसी टॉपिक को आप दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं, फिर कुछ समय बाद उसको दूसरे बुक से आप पढ़ रहे हैं, फिर कुछ समय बाद दूसरे बुक से, मगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप जानते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जामिनेशन में, आप गारंटी सॉल्व नहीं कर पाइएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं ना साइकोलॉजी क्या है एग्जाम की, उस एग्जाम की किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टॉपिक से किस तरह से ट्विस्ट करके आएंगे। तो उसी लिए प्लेलिस्ट हमारा विजिट कीजिए, ठीक है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जीजीएस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आने वाला है भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स मेक यू द परफेक्ट टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे लेक्चर के साथ, थैंक्स अ लॉट, हैव अ वंडरफुल डे।